आज हम बनाएंगे गोलगप्पे का तीखा चटपटा पानी। चलिए से बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए गैस पर रखेंगे पैन और उसमें आधा कप पानी डालेंगे, 50 ग्राम इमली बिना बीज के डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम पर ढककर सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें एक कप धनिया डंडी समेत धोकर डालेंगे, आधा कप पुदीना डालेंगे, 4-5 हरी मिर्ची, 4 लौंग, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा नींबू का रस, आधा कप पानी डालेंगे, ढक्कन बंद करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 लीटर ठंडा पानी डाल देंगे और थोड़ा जार को भी साफ करने के लिए थोड़ा पानी डालकर इसे भी बोल में डालेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इधर हमारी इमली भी सॉफ्ट हो गई है, गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे छान लेंगे। अच्छे से दबा दबा कर इसे छान लेंगे। अब जो हमने पानी तैयार किया था वो भी छान लेंगे। लीजिए देखिए, सारे रेशे भी इसके छन चुके हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, इसे मिक्स करेंगे और 1/2 नींबू का रस डालेंगे और थोड़े सा रायते वाली बूंदी डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। अगर आप इसे और ठंडा रखना चाहते हैं तो आप बर्फ़ के पीसेस भी डाल सकते हैं। लीजिए हमारा बहुत ही तीखा चटपटा गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।